नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज द रेंज ऑफ अ पार्टिकल वैन लॉन्च एट एन एंगल ऑफ पंद्रह डिग्री फिफ्टीन डिग्री विद द ओरिजॉन्टल इज वन पॉइंट फाइव किलोमीटर वॉट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वन लॉन्च एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री टू द हॉरिजोंटल है ना तो हमने यहाँ पे दो सिनेरियो लिए हैं पहला सिनेरियो ये है कि प्रोजेक्टाइल को हमने फिफ्टीन डिग्री पे लॉन्च किया है और हमें ये बताना है फिफ्टीन डिग्री पे लॉन्च किया तो उसका रेंज आया वन पॉइंट फाइव किलोमीटर है अब हमने सेम वेलोसिटी से उसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है इस बार 45 डिग्री से हमें ये बताना है कि वो प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके ग्राउंड को हिट करेगा या फिर उसकी रेंज क्या होगी सो so, हमें ये पता है वैसे भी कि 45 डिग्री पे रेंज सबसे ज़्यादा होती है सो फोर्टी फाइव डिग्री पे जब आपने लॉन्च किया है तो हमें ये वाली रेंज बतानी है ये रेंज कितनी होएगी ना uh, सिंपल सवाल है डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सो so, रेंज का फार्मूला पहले वाले केस में हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टू इंटू फिफ्टीन यानी कि थर्टी डिग्री हो जाएगा डिवाइड बाय जी तो ये बन गया यू स्क्वायर बाय टू जी ये डेटा आपने को यू स्क्वायर बाय टू जी दिया हुआ है फिफ्टीन वन पॉइंट फाइव किलोमीटर सो इसको फिफ्टीन हंड्रेड मीटर लिख लेते हैं ये आपकी पहले वाले केस में यू स्क्वायर बाय टू जी की वैल्यू आ गई हालांकि सेकेंड वाले केस में जो हमने फोर्टी फाइव पर लॉन्च किया हम लिख सकते हैं आर टू विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टू थीटा टू थीटा का मतलब 45 डिग्री का टू थीटा जब करेंगे हम तो 90 हो जाएगा सो दिस विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी सो ये वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी सो यूजिंग दिस हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू हो गई टू मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन हंड्रेड मीटर सो दैट विल बी थ्री थाउजेंड मीटर और थ्री किलोमीटर राइट सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी थ्री किलोमीटर वुड बी द राइट आंसर